नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जो लगातार दीप प्रज्वलित करके धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है पंडित मधुसूदन जी शास्त्री। उनसे हम सीधी बात करेंगे कि दीप क्यों प्रज्वलित कर रहे हैं और इन दीप प्रज्वलित करने से क्या होता है और किस प्रकार की जनता में ये संदेश देना चाहेंगे। जी, स्वागत है आपका। और ये दीप प्रज्वलित करने आप क्या कहेंगे? दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और दीपो ज्योति भव, दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। दीपक लगाने से अंधकार दूर होता है, प्रकाश और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और किसी न किसी प्रकार से तो मनुष्यों के अंदर ज्ञान प्राप्ति होना ही चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर, आस्थाओं में, उनके हृदय में ज्ञान का प्रसार प्रसार हो, ज्ञान जागृत हो। और पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे देश में आई है, कि जैसे जन्म दिवस पर लोग मोमबत्तियाँ लगाते हैं, हम ये चाहते हैं कि मोमबत्ती ना लगाते हुए आप दीप लगाओ, क्योंकि हिंदू संस्कृति मोमबत्ती को मानने वाली नहीं बल्कि दीप को मानने वाली है। और दीपक को हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर देवता का स्वरूप माना जाता है। वर्ष 2018 पिछले दिनों में आपने बहुत बड़ा आयोजन, इस क्षेत्र की जनता को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा, फिर भी आपके सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है। क्या मानते हैं आपकी, आपने जनता ने साथ भी दिया है और आपके 11 लाख दीप प्रज्वलित किए हैं और माता रानी से आप इतने शक्ति के रूप में यह दीप प्रज्वलित किए, कोई कहीं हादसा नहीं हुआ, क्या मानते हैं आप? ये सब धर्म की ताकत है और धर्म के आगे जो है प्रत्येक प्राणी को झुकना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि जगदम्बा ने ऐसी कृपा करी, क्षेत्र के लोगों ने अपना पूरा तन मन धन से सहयोग दिया। क्षेत्र के लोग क्योंकि इस बात को जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है, धर्म के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए जहाँ धर्म होगा वहाँ तो जनता को सहयोग देना ही देना है और धर्म के लिए हर व्यक्ति सहयोग। गुरु जी, पिछले दिनों भी हमने देखा ग्राम लालाखेड़ा में आपने भागवत कथा करी, काफ़ी जनता दिन के खेती बाड़ी से भी समय निकाल कर आपके प्रवचन सुनने आई है। आप युवा एक संत के रूप में रूबरू हुए हैं, उभरे हैं एक नए युवा संत के रूप में, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को हमारा एक ही संदेश है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करे, हिंदुस्तान संस्कृति को अपनाए। और युवा राष्ट्र है, चूँकि भारत 54 करोड़ युवा भारत के अंदर रहते हैं, तो मैं युवाओं से यही अपील करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि युवा तो वो गतिशील शक्ति होती है जिससे राष्ट्र का चरित्र का विकास होता है। तो युवा अगर हमारे धर्म में सहयोग देंगे, धर्म के आस्था से जुड़ेंगे और हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को यदि बचाएंगे, तो ये निश्चित ही भारत विश्वगुरु बनेगा और विश्वगुरु के साथ साथ युवा राष्ट्र भी बनेगा। गुरु जी, एक आखिरी सवाल की, जिस तरह से आज आप 2019 का आगाज हो चुका है और सैनिकों के बीच में जाकर आप एक बस के द्वारा यात्री गए हैं, क्या मानते हैं कि सैनिक भी आपका एक अच्छा स्वागत करेंगे और आप उनके जो सम्मान यात्रा हैं और सम्मान करेंगे, तो किस प्रकार का आप में एक बड़ा उत्साह है? सभी संत मंत धर्म के प्रति बात करते हैं, सभी लोग धर्म का ही साथ देते हैं। मेरा मानना है कि धर्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती है। जो राष्ट्र का अन्न खाता है, राष्ट्र की धरा पे रहता है, राष्ट्र का पानी पीता है, उसे राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु से, राष्ट्र की प्रत्येक चीज से और राष्ट्र के प्रत्येक प्राणी को सम्मान देना चाहिए। और क्योंकि सेना की बात है, तो मेरा मानना है कि बॉर्डर एक मंदिर है और सेना वहाँ की देवता है, और हम लोग पुजारी बन करके उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। क्योंकि जब जब भी देश अंदर से टूटा है, तब देश को न किसी राजनीतिक सरकार ने या किसी सत्ता ने सहयोग नहीं दिया। जब भी भूकंप जैसी स्थिति बनी हो, बाढ़ आई हो, या किसी प्रकार की महामारी राष्ट्र के अंदर आई हो, या बॉर्डर की बात करें, तो सेना बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ रूप में देश की रक्षा करती है। और जो रक्षा करता है, जो आज वहाँ है, उनकी वजह से राष्ट्र के लोग सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। तो हमें पूरे किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, भारतवासियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा सैनिकों का सम्मान करने का अवसर जो बॉर्डर पर मिला है, मैं इसे बड़ा गौरवशाली समझता हूँ। ये सबसे बड़ा तीर्थ है और आज लगभग सभी किसानों, क्षेत्र के किसान मेरे साथ जा रहे हैं, वहाँ जाकर के सैनिकों का सम्मान करेंगे। कितनी तारीख को प्रज्वलित होंगे? 4 जनवरी को तन्नोट्राय माता मंदिर पर 1 लाख दीपक के लगभग प्रज्वलित करने का संकल्प है, जितना भी उचित समय पर हो जाए। और 4 जनवरी को दोपहर में बॉर्डर LOC जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान की, वहाँ जो पुलिस तैनात है, जो सेना तैनात है, उनका हम स्वागत करेंगे। और वहाँ से संदेश पूरे भारत में देना चाहते हैं कि हर गांव के अंदर जहाँ भी सैनिक हो, चाहे वो रिटायर्डमेंट हो, चाहे वो पद पे हो, उनका सम्मान साल में एक बार होना। गुरु जी, आपसे सवाल, क्षेत्र की जनता आपके जो सामने कार्यकर्ता हैं, आपका लगातार साथ दे रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
जो भी इस कार्यकर्ता जो समिति से जुड़े हुए हैं, जो जिनने 11 लाख दीपक जैसे महाआयोजन को पूर्ण किया, आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, वो सारे कार्यकर्ता तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों का इतिहास बनेगा और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था भी है, आस्था की जागृति है। और ये वही लोग हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से राष्ट्र जो है चरितार्थ होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब ऐसी महाविभूतियाँ, ऐसे कार्यकर्ता जिस राष्ट्र में होता है, वो राष्ट्र महान व्यक्तित्व के चरित्र को उद्भुत करता है। गुरु जी, मेरा आखिरी सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी कर क्या रहे हैं, मतलब दीप प्रज्वलित करके क्या हासिल करना चाहते हैं। 2019 का आपका ये पहला कदम है सैनिक सम्मान यात्रा के बाद, आप क्या वो कार्य करेंगे जो आपसे धर्म के रूप में आप देखना चाहेंगे? सैनिक सम्मान का उद्देश्य तो यही है कि पूरे भारत के अंदर सैनिकों के प्रति लोगों में मनोबल आए।